आईपीएल 2022 के लिए रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर साथ ही साथ और भी कुछ खबर जो कि सभी टीमों की तरफ से हमें निकल कर आती दिखाई देती रहती है। उसी तरह पंजाब किंग्स की टीम के लिए भी हमें बड़ी से बड़ी अपडेट निकल कर दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों यहां पर श्रेयस अय्यर को लेकर, जो कि यहां पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी कौन संभालेगा, साथ ही साथ केएल राहुल और राशिद खान को लेकर भी कुछ अपडेट है। तो सारी अपडेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम के लिए जो कि पहली बड़ी अपडेट है वो है दोस्तों केएल राहुल की तरफ से। लखनऊ की टीम ने एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है केएल राहुल को और केएल राहुल इस ऑफर के लगभग मान चुके हैं। ये ऑफर था दोस्तों 20 करोड़ का जो कि लखनऊ की टीम ने केएल राहुल को दिया है और 20 करोड़ में लगभग दोस्तों यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी पंजाब की टीम में और 20 करोड़ में लगभग कुछ खिलाड़ी को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी मान जाएंगे उनकी फ्रेंचाइजी खेलने के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली कभी नहीं मानेंगे अपनी टीम को छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल दोस्तों मान सकते हैं, लखनऊ की टीम में जा सकते हैं और 20 करोड़ रुपए बहुत ही ज्यादा रकम होती है दोस्तों। आईपीएल के इतिहास में कभी भी किसी खिलाड़ी को 20 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं, लेकिन केएल राहुल हमें 20 करोड़ में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं लखनऊ की टीम में और लखनऊ के कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये दोस्तों खबर थी केएल राहुल के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी और केएल राहुल के लिए भी जो कि इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे दोस्तों ये जब आईपीएल 2022 में ये 20 करोड़ में खेलेंगे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें भी होंगी इनसे। इसमें दोस्तों आप अपनी राय जरूर कमेंट करना, क्या केएल राहुल को 20 करोड़ का ऑफर मानना चाहिए या फिर नहीं। हम इसके बाद बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम के लिए जो कि दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो है दोस्तों यहाँ पर राशिद खान को लेकर। पंजाब किंग्स की टीम और साथ ही साथ लखनऊ की टीम, ये दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा अप्रोच कर रही राशिद खान को कि उनकी टीम में वो आ जाए और लखनऊ की टीम ने लगभग दोस्तों 16 करोड़ का ऑफर दिया है और पंजाब किंग्स की टीम भी दोस्तों कम नहीं है, यहाँ पर उन्होंने भी इतना ही बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम इस मामले में थोड़ा ऊपर है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल को अगर 20 करोड़ दे दिए जाएंगे और यहाँ पर 16 करोड़ राशिद खान को दिए जाएंगे एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर, तो कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम को घाटा हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर पंजाब टीम का पलड़ा भारी है। राशिद खान हमें पंजाब की टीम में आते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राशिद खान की जगह प्लेइंग ग्राउंड में बन सकती है। जैसे कि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम की स्ट्रेटेजी रहती है ये हमेशा से विदेशी स्पिन ऑलराउंडर अपनी टीम में जरूर रखते हैं, उसी तरह प्लेइंग ग्राउंड के अंदर भी रखते हैं, तो राशिद खान दोस्तों ऑलराउंडर की भूमिका में बहुत ही अच्छी नजर आएंगे। ये खिलाड़ी दोस्तों बैटिंग भी अच्छी कर लेता है और बॉलिंग लाजवाब कर ही लेता है, ये आप सभी को पता है। तो पंजाब किंग्स की टीम ने इनको बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है और पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से ये खेलने के लिए तैयार लगभग अभी तक नहीं हुए, लेकिन हमें बहुत ही जल्द मालूम पड़ जाएगा कि राशिद खान यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम में खेलेंगे या फिर नहीं। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी अपडेट करूँ जो कि यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम के लिए, पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी यहाँ पर बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है। केएल राहुल लगभग दोस्तों 99% चांसेस है कि यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं कि किसी और टीम में जाएंगे, शायद लखनऊ की टीम में कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी यहाँ पर श्रेयस अय्यर हमें संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनको बहुत ही ज्यादा अप्रोच किया गया है पंजाब किंग्स की टीम के मैनेजमेंट की तरफ से, इनको भी बहुत ही अच्छा ऑफर दिया गया है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से और भी बहुत सारी टीमों की तरफ से। दोस्तों 4 टीम है जो कि इनके पीछे पड़ी हुई है जो कि मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और पंजाब किंग्स की टीम, ये चारों टीमें इनके पीछे पड़ी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में से ये ना चाहते हुए भी रिलीज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनको खुद ही खेलने का मन नहीं है, तो इस वजह से हमें ये ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं और ये पंजाब किंग्स की टीम में लगभग आते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें और एज ए कैप्टन भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इस समय एकदम नए कप्तान और नई टीम चाहिए पंजाब किंग्स की टीम को। जैसा कि इनका मानना है कि सभी खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया जो कि इनका लाजवाब फॉर्म चल रहा है, हालांकि T20 वर्ल्ड कप में इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन इस समय इनका टेस्ट में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस चल रहा है और हमें मालूम है कि आईपीएल में ये कितने बड़े प्लेयर हैं। ये इंजरी के बाद ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तों इनकी बैटिंग पोजीशन नंबर 3 और नंबर 3 पर यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से इन्हें जगह नहीं मिलती थी, इन्हें नंबर 5 या नंबर 6 पर या फिर नंबर 4 पर जगह मिलती थी। इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से इन्होंने अच्छा करके नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर हमें पंजाब किंग्स की टीम में ये आते दिखाई दे सकते हैं। इनको बहुत ही ज्यादा पैसे देने का ऑफर किया है पंजाब किंग्स की टीम के मैनेजमेंट ने और ये आएंगे तो पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी भी दोस्तों ये संभाल लेंगे। और ऐसी अपडेट्स के लिए जो कि आईपीएल की टीमों के लिए साथ ही साथ पंजाब की टीम के लिए निकल कर आती थी उन सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।